हेलो फ्रेंड्स, बबल एक्वेरियम में आपका स्वागत है। मैं सचिन, आज आपके साथ मैं ये दिस इज़ अ फर्स्ट वीडियो और मेरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं आपके साथ कुछ अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी हॉबी बेसिकली एक्वेरियम है, एक्वेरियम से रिलेटेड फिश हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक रिलेटेड टू एक्वेरियम। सो पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा मेरे अपने बारे में। मैं सचिन हूँ, मैं 34 ईयर्स ओल्ड हूँ। बेसिकली मैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहता हूँ। जगह का नाम असम गुवाहाटी है। और बेसिकली मैंने ये एक्वेरियम हॉबी काफ़ी समय पहले शुरू करी थी, बट वो एज अ हाँ इंटरेस्ट है, फिश बहुत अच्छी लगती हैं। इवन हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है तो उसके पास जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ एंट्री पे लगा हुआ है एक बहुत अच्छा एक्वेरियम, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने स्टार्ट किया ऐसे देख के, और मुझे लगा कि रखना चाहिए फिशेस, घर के लिए भी अच्छी होती हैं और एज़ यू नो सम वास्तु एंड ऑल दैट, उसमें भी ये फिशेस बहुत मायने रखती हैं। बट मैं उस नज़रिए से नहीं देखता, मैं ऐसे देखता हूँ कि ये बहुत सुंदर लगती हैं और प्लीजिंग हैं। और सम टाइम थोड़ा, जब आप थोड़ा स्ट्रेस मूड में हो या बहुत ही, आज का समय तो आपको पता ही है कि कोविड वायरस के चक्कर में काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ नौकरी चली गई है, बस इसके अलावा भी, बट ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं ये सब बुरे चीज़ों से उभरने में। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो हर समय बहुत ही, जब भी मैं देखता हूँ अपना एक्वेरियम बहुत खुशी होती है और काफ़ी टाइम मैं ऐसे ही देखते देखते बिता देता हूँ। तो बेसिकली जस्ट हॉबी है तो उसको इसी तरह से लेना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि वे पागल हो गए एकदम। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ हॉबी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें हॉबी होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए खुद को। या तो अगर जो नहीं है और आप चाहते हैं कि इसमें करना वो इंटरेस्ट पैदा करना, तो आप इन चीज़ों पे धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम कि भाई थोड़ा धीरे धीरे करके इंटरेस्ट जग सकता है। तो पहले तो मैं बता दूँ मेरे पास कौन कौन से क्या हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं मेरे पीछे एक्वेरियम है, तो मैं आपको सब दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये एक्वेरियम मैंने मतलब पहला एक्वेरियम तो नहीं है, इससे पहले मैंने बहुत सारे एक्वेरियम कोशिश करी है करने की, बट मैं स्टेबल एक्वेरियम कह सकता हूँ इसको, तो इसीलिए मेरा ये एक्वेरियम दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो एक्वेरियम है बेसिकली मैंने खुद बनाया है इसे। ये मैंने नॉर्मल कांच की दुकानें होती हैं जो आसपास में, उन दुकानों से लिया है ये कांच। ये 2 फीट का है कांच और 1 फीट का है साइड में और 2x1 है, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो 2 फीट का टैंक है। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली करीबन 50 to 60 liter पानी आएगा। और बेसिकली ये पानी को साफ़ रखना ही सबसे बड़ी मुश्किल काम है। बाकी फिशेस तो बहुत अच्छी होती हैं, फिशेस तो बहुत सारी हैं इसमें, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ब्लैक मोर सबसे पहली वाली, ये भी गोल्ड फिश है, उसके पीछे भी गोल्ड फिश है एक। और ये सब जो हैं मॉलीज हैं, ये मॉली है, ये मॉली है, मॉलीज, ठीक है। ये जो छोटी छोटी हैं ये गपी है, ये गपी है, ये गपी है। और दूसरी वाली जो है ग्लो फिश है, ग्लो फिश डैनियोस, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और एक्टिविटी इस टैंक में बहुत अच्छा है। और एक है फिश, वो बहुत कोने में है, शायद ही आपको दिखे उस तरफ है। इस फिश का नाम एक मिनट आपको दिखाता हूँ, अगर जो देख पाएँ तो, ये आप शायद देख पाएँ, वो देखिए कोने में एक दिख रहा है, वो जो फिश का नाम है ब्लैक आई रेड आई बर्ब, सॉरी। तो ये फिश भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए, सबसे पहली फिश इस टैंक में जो थी ये ब्लैक मोर है, और बाकी सारे भी काफ़ी टाइम हो चुके हैं आए हुए। इस टैंक को सेटअप करने की भी मतलब बहुत मैंने कोशिश करी है, एज अ नॉर्मल
एक्वेरियम भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्लेन है। इसका कारण ये है कि गोल्ड फिश वगैरह बहुत गंदा करती हैं, सफाई करने में बहुत मुश्किल होती है, तो साफ करने के लिए बहुत मुश्किल आती है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि जितना ज़्यादा पानी आप साफ रख पाएंगे उतनी अच्छी फिश हेल्दी रहेंगी, उतना अच्छा सर्वाइव करेंगी, उतने लॉन्जिविटी रहेगी उनकी लाइफ की, स्पैन ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। तो इस यही कारण से मैंने कोशिश करा है। आपको भी देख पा रहे होंगे पानी एकदम क्लियर है, ये आज का पानी नहीं है, ये काफ़ी टाइम हो गया है। मैं वीकली चेंज करता हूँ। बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टैंक में दो तरह के फिल्टर, जिससे मेरे को थोड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा स्टोरेज होते हैं, ज़्यादा प्लेस होता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कोने में एक कैनिस्टर फिल्टर है, ये कैनिस्टर फिल्टर है। बेसिकली मैंने ये रिसेंटली मंगाया है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना जैसा हो रहा है। और ये बेसिकली मुझे अमेज़ोन से पड़ा था 1800 रुपये में, वो भी मुझे मतलब मिल गया, वो भी कह सकते हैं किस्मत अच्छी थी। नहीं तो नॉर्मली कैनिस्टर फिल्टर 2500 कम से कम पड़ता है, और इससे बड़ा आता है, बड़ा भी ले सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन कि आपको वाटर साइकिल क्या चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक पावर हेड फिल्टर है, जिसका मैंने फ्लो बंद करने के लिए एक प्लास्टिक सा एक बॉटल आप देख पा रहे होंगे आगे लगा रखा है। बेसिकली क्या होता है कि पावर हेड फिल्टर में बहुत तेज फ्लो होता है, तो ये जो सारी फिशेस हैं, जैसे ये ब्लैक मोर है, ये कोल्ड फिश है, और ये मॉलीज हैं, ये सब ज़्यादा फोर्स में प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा इन प्लांट्स को भी तकलीफ़ होती है कि ज़्यादा फ्लो रहा तो ये प्लांट्स मर जाएंगी, तकलीफ़ होगा इनको, ठीक है, और ये टूट जाएंगी, तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने पावर हेड फिल्टर में आगे एक प्लास्टिक का DIY करके मैंने कोशिश करा है कि उसको बंद कर दूँ, और फोर्स को मैंने काफ़ी कम कर दिया है। तो इससे देख पा रहे होंगे आप कोई चीज़ मूव नहीं हो रही इस टैंक में इतना। नहीं तो पावर हेड फिल्टर में आप जानते हैं कि यहाँ से अगर जो लगाया तो ये यहाँ तक पूरा एकदम पूरा फोर्स में जाता है पानी, ठीक है। इसके अलावा इस टैंक में मैंने ये छोटा सा एक एक्वेरियम टब, मतलब ये एक्वा स्केपिंग करने की कोशिश करी है। ये मैंने बेसिकली आइडिया मेरे को एक यूट्यूबर से देख के आया था, उन्होंने मतलब पॉटिंग में मतलब एक्वा स्केपिंग करके पूरा पूरा एक्वेरियम को सेट किया था। तो उनसे देखा था मैंने, तो मैंने उनसे सीखा, सीखने के बाद मैंने एक ट्राई वर्जन पे मैंने कोशिश करा है। ये बेसिकली 1 महीना भी नहीं हो रहा है इन प्लांट्स को। बेसिकली इसमें प्लांट्स कौन से हैं, एक तो है फर्न, जावा फर्न जो देख पा रहे होंगे आप पीछे हैं, दूसरा है एनुबियास जो फ्रंट में देख रहे हैं, ये एनुबियास हैं, ठीक है इन। और इसके अलावा हॉर्नेट हॉर्न वर्थ करके है, जो पीछे वाला जो है, ये जो लंबे लंबे लटक रहे हैं, ठीक है, ये वाले हैं। तो बेसिकली मैंने ये एक कह सकते हैं ये जो हैं सारे जो प्लांट हैं, ये कम लो ऑक्सीजन में आराम से रह पाते हैं, और सॉरी लो कार्बन डाइऑक्साइड पे, CO2 इस पे देख पा रहे होंगे आप, एनी कोई भी CO2 डिफ्यूज़र नहीं लगा हुआ है, कोई CO2 चल नहीं रहा है। बेसिकली ये सिर्फ बेसिक इन कम उस पे ही आराम से ग्रो होते हैं। तो पहले तो मैं स्टार्टिंग है, तो मैं सीख रहा हूँ, तो पहले अगर जो मैं इनको ग्रो कर पाया अच्छे से, तो मैं इसको फुल स्केप पे ग्रो करूँगा, और फुल मतलब एक्वेरियम सेटअप करूँगा, तो उसका भी वीडियो बनाऊँगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट फिलहाल के लिए वो छोड़ते हैं वो टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं। इस टैंक में और खास इतना ज़्यादा नहीं पुराना हुआ है, बट एक्वेरियम काफ़ी पुराना है, बट फिशेस इतनी पुरानी नहीं है। एक्वेरियम को ऑलमोस्ट मतलब 9-10 मंथ्स तो हो गए हैं, लास्ट ईयर जब लास्ट ईयर के मतलब कह सकते हैं इस लास्ट ईयर एंड में दिसंबर के आसपास मैंने इस टैंक को सेटअप किया था। सबसे पहले मैंने बेटा फिश लिए थे, बेटा फिश में बेसिकली प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, मेरी हार्ड फिश है वो सबसे ज़्यादा हार्ड फिश है, इन सब फिशों के अलावा इनसे भी ज़्यादा हार्ड फिश है, वो इवन बॉल में भी रहते हैं कहते हैं, बट दैट्स नॉट गुड, क्योंकि कम स्पेस पे कोई भी मछली को, जैसे आपको अगर जो बाथरूम में बंद कर दिया जाए आप कितने देर रहेंगे, तो वही बात है। तो एक बेटा फिश को एक बॉल में रखना इट्स नॉट गुड, तो बेटा फिश क्या कोई भी फिश को रखना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कोशिश किया बड़े टैंक बना के बेटा फिश को रखने की, बट मैं पहले स्टार्टिंग में नॉलेज कम था, तो मेरी बेटा फिश मरती गई। मैंने ट्राई किया बहुत सारी लेने की बाद में भी, बट बैड एक्सपीरियंस रहा।
तो मैंने धीरे धीरे सीखा कि पानी को जितना ज़्यादा साफ रखेंगे, दवाई टाइम पे देंगे जो ज़रूरी है, एक्स्ट्रा दवाई नहीं। जैसे अगर जो आपने जनरल एड की दवाइयाँ आती हैं नॉर्मली, वो सब रेगुलर बेसिस पे डाला तो उनको हैबिट हो जाता है, वो दवाई फिर उनको अफेक्ट नहीं पड़ती जब बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं डालनी जो ज़रूरी है। जैसे पानी चेंज के समय हमें वाटर कंडीशनर्स डालने पड़ते हैं, जैसे आपका हार्ड वाटर हो तो सॉफ्ट वाटर में करने के लिए उसको पानी चेंज से पहले डालना पड़ता है ताकि उसको हार्ड को सॉफ्ट किया जाए। क्लोरीन रिमूवल जो होते हैं वो सब पहले करना पड़ता है, एक्वेरियम से पहले, एक्वेरियम में डालने से पहले। पानी को बाद में डाल के आप अगर जो क्लोरीन रिमूवर डालेंगे या वो डालेंगे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने वाले जो आते हैं वाटर कंडीशनर, सो वो सब जो दवाइयां हैं वो इधर डालेंगे तो इफेक्ट करने में कई बार होते हैं कि कई कई कंपनियों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जितना होता है बेटर होता है कि आप पहले ही जो आप पानी प्रिपेयर कर लें उसको एक दो दिन रख लें, फिर उसके बाद इसमें ट्रांसफ़र करें। तो मैंने यही कोशिश करी है और आप देख भी पा रहे होंगे वाटर क्लियर है। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि इस एक्वेरियम को कैसे मैं क्लीन रख पाऊँ। और जब भी ये लोग साफ गंदगी करते हैं, हमें खाना देने के बाद खाना खा लिया उन्होंने, जब ये लोग पॉटी वगैरह करते हैं तो इनकी जो गंदगी गिरती है, ठीक है। तो अभी मेरे इसमें देख पा रहे होंगे कि कोई ऐसा कोई वर्कर नहीं है जो वर्कर फेस जो साफ़ सफाई कर पाए, गंदगी खाए, ठीक है। बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया खाते हैं, बट इतना नहीं ना कि जो पूरा साफ़ हो जाए। तो ये गोल्ड फिश वगैरह हैं जो बहुत गंदा करती हैं। तो इसके लिए मैं बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि एक पतली सी पाइप है, आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है अभी पतली सी पाइप। ये आप देख पा रहे होंगे पतली सी पाइप है। इसको बेसिकली एक तरफ से मैं ऐसे मुंह पे लगा के साइफन करता हूँ, उसमें डिप करके रखता हूँ जहाँ जहाँ गंदगी है और उसको निकालता हूँ। तो इसी तरह से मैं पतली पाइप का यूज़ करके गंदगी साफ़ करता हूँ और थोड़ा बहुत पानी घटता है उतने से साफ़ करने में, मतलब हार्डली, मतलब एक ये जो लाइन दिख रही है आपको पानी की, इससे दस थोड़ा सा ऐसे इतना सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको क्या है कि मैं जो फिर पानी मैंने स्टोर करके रखा है इनके लिए जो फिश के यूज़ करने के लिए, तो वो पानी मैं डाल देता हूँ, जिससे ये होता है कि पानी का लेवल भी कम नहीं होता और साफ भी डेली बेसिस में हो जाता है, तो गंदगी भी नहीं होती है, तो एक्वेरियम साफ़ सुथरा रहता है और फिश हेल्दी रहती हैं। तो जब से मैंने ये कोशिश करी है, ये सब मैंने नॉलेज भी तो सिर्फ आप ही लोगों से जाना है जो यूट्यूबर्स हैं, स्कीपिंग करते हैं, जो फिश पालते हैं, फिश हॉबिस्ट हैं, उन लोगों से ही मैंने जाना है। इंडिया 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 के अलावा भी बाहर के भी फॉरेनर्स हैं जो ये हॉबी रखते हैं, उनके वीडियोस देखे मैंने, क्या चीज़ बेटर है उन चीज़ों को अप्लाई करके मैंने सीख के मैंने कोशिश कराई ये सब करने की, सेट करने की। और अब मुझे लगता है कि यही ज्ञान मुझे और यही जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, अगर जो मुझसे किसी और को फ़ायदा होता है और ये नॉलेज है, ये बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं यही चीज़ अपने चैनल पे बताऊँगा और लोगों से शेयर करूँगा और इस बारे में बातचीत करूँगा आप लोगों से कि कैसे करना चाहिए। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, आप लोगों से भी सीख पाऊँगा मैं उम्मीद करता हूँ। कई होंगे जो एक्सपर्ट होंगे इस बारे में, कई होंगे जो बहुत समय से फिश हॉबी में होंगे और फिश बहुत सारे तरीके के पालते होंगे, तो उनके पास ये नॉलेज ऑलरेडी होगा, तो वो भी मुझे सलाह दे सकते हैं कि नहीं सचिन ऐसा करिए, नहीं ऐसा करिए, ये कर सकते हैं आप। तो बेसिकली ये चैनल मेरा जो मोटिव है ये चैनल शुरू करने का या ये वीडियो बनाने का, बेसिकली यही है कि आप लोगों से भी नॉलेज गेन करूं, नई चीज़ें सीखूं और नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करूं अपने एक्वेरियम पे। और अगर जो किसी की हेल्प कर पाऊं तो वेल एंड गुड है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको अपने वीडियो पे शाउट आउट करके मैं उनको बताऊंगा, उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने मेरी हेल्प करी या उन्होंने ये क्वेश्चन है ये वैलिड है, तो उनके बारे में भी और उनका नाम मैं अपने वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में मेंशन करूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। आगे आने वाले वीडियोस बेसिकली मैं वीकली कोशिश करूंगा कि वीडियोस डालूं, बट डिपेंड कि कैसा क्या होता है। और आप लोगों से यही विनती है
कि मेरे बबल एक्वेरियम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों का आशा करता हूँ, वेट करता हूँ कि आप लोगों का कमेंट आएगा, लाइक्स आएंगे और सब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।